चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान की मेजबानी में होनी है, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जैसा पहले ही यह निर्णय ले चुके हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान दौरे पर नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी इन सब के बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में इन दिनों आतंकवादी घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं। इस आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो चुके हैं जबकि 5 घायल है। बता दें कि पिछले एक महीने में यह जम्मू संभाग में हुआ छतवान बड़ा हमला है, जबकि कठुआ जिले में एक महीने में यह दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। मुंबई में भारी बारिश ने पूरे शहर में आफत मचा दी है। सड़कें गायब होकर नदी और नालों में बदल चुके हैं। मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से उपनगरीय ट्रेन सेवाएं और हवाई यातायात बाधित हुआ है। यहां बारिश और जल जमाव से स्थिति यह हो गई है कि लोगों की जान बचाने के लिए एनडीआरएफ के साथ सेना तक उतर आई है। आर्मी मेडिकल कोर के कैप्टन अंशुमन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। देश उनकी शहादत को आज भी याद कर रहा है। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को उन्हें उनकी बहादुरी के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। इस दौरान सभी ने कैप्टन अंशुमन सिंह को नम आंखों से याद किया। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद मिर्जापुर सीजन 3 अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुका है। बता दें कि मिर्जापुर 3 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आली फजल और पंकज त्रिपाठी की क्राइम थ्रिलर के नए एपिसोड 5 जुलाई को रात 12 बजे प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया। भारतीय टीम के खिलाड़ी विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा इन दिनों लंदन में हैं। इस दौरान एक खबरें भी सामने आई थी कि अनुष्का और विराट लंदन में ही शिफ्ट होने वाले हैं। हालांकि इसको लेकर अभी दोनों ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। एक निजी परफ्यूम की ब्रांडिंग करने के लिए अभिनेता सुनील शेट्टी मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने परफ्यूम लॉन्च किया और शहर की स्वच्छता को लेकर जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ एक पौधा माँ के नाम अभियान में शामिल होकर पौधारोपण भी किया। मणिपुर में हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। इस बीच शिवसेना यूवीटी के नेता संजय रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं। राज्यसभा सांसद संजय रावत ने कहा, पीएम मोदी क्यों नहीं जा रहे हैं मणिपुर। पूर्वोत्तर रेलवे बारिश के दिनों में उफनती नदियों और बाढ़ के खतरे के बीच रेलवे पुलों पर बढ़ते जलस्तर की निगरानी कर रहा है। बता दें कि इस निगरानी से जलस्तर बढ़ने पर खतरे के प्रति पहले से जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए रेलवे ने वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दायर ईडी चार्ट सीट पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कई जगहों पर भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार वेस्ट मध्य प्रदेश में अधिक बारिश के साथ थंडर स्टॉर्म दर्ज किया गया है। सबसे अधिक बारिश शिवपुरी में हुई। ईस्टर्न मध्य प्रदेश में भी अच्छी बारिश हुई, साथ ही सबसे अधिक तापमान छतरपुर में रहा। बॉस 17 के घर अभी इन दिनों खूब ड्रामा और कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। लगातार हो रहा एलिमिनेशन के बीच बीते दिन फिर एक कंटेस्टेंट को नॉमिनेशन किया जाना था। बता दें कि लेटेस्ट एपिसोड में शिवानी कुमारी फिर से मेडिकल रूम में ले गया, क्योंकि उन्हें नॉमिनेशन टास्क के दौरान चंद्रिका दीक्षित का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण वह फूट फूट कर रोने लगी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ वीना गुंडा के पास चल रही है। इसमें एक महिला माओवादी के मारे जाने की खबर। पुलिस को मौके से एक 3.03 राइफल भी बरामद हुई। मुठभेड़ की पुष्टि एसपी इंदिरा कल्याण एलिसेला ने की है। शिक्षा विभाग के लाचार हालतों को सुधारने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन शिक्षकों का रवैया सुधरने का नाम नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली भाई बहन को केवल इसलिए स्कूल से निकाला गया क्योंकि उन्हें कक्षा में झाड़ू लगाने से इनकार कर दिया था। मध्य प्रदेश के सतना जिले से अवैध शराब के गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ है। मंदाकिनी नदी के किनारे अवैध शराब के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस की आहट पाकर अवैध शराब बनाने वाले नदी में कूद कर यूपी भाग गए।